हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल रेल नोट पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा। दोस्तों, ट्रेन में सफर करते हुए आप ट्रैक के किनारे व्हाइट पत्थर पर FM लिखा हुआ तो जरूर देखे होंगे, जिसका मतलब है कि फॉलिंग मार्क। तो दोस्तों, आज हम दोस्तों ये फॉलिंग मार्क का बोर्ड व्हाइट पत्थर पर उस जगह पर लगा जाता है जहां पर दो रेलवे ट्रैक आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं या क्रॉस करते हैं। यह एक रेलवे का सेफ्टी बोर्ड होता है जो ट्रेन के साइड कोलिशन होने से रोकता है। दोस्तों, ये फॉलिंग मार्क का बोर्ड जहां लगाया जाता है उसके 14 मीटर की दूरी पर दो ट्रैक आपस में मिलते हैं। यह बोर्ड मेनली ट्रेन के गार्ड के लिए लगाया जाता है, क्योंकि जब ट्रेन मेन लाइन से लूप लाइन में आता है या जाती है तो मेन लाइन पूरी तरह से क्लियर रहे, कोई भी कोच या वैगन मेन लाइन पर ना रहे, यह ट्रेन के गार्ड इंश्योर करते हैं और लोको पायलट को बताता है कि ट्रेन मेन लाइन से लूप लाइन पर आ गई या जा गई। क्योंकि ट्रेन इतनी लंबी होती है और आगे से लोको पायलट इस बात को इंश्योर नहीं कर सकता कि ट्रेन पूरी तरह से क्रॉस कर ली, मतलब कि मेन लाइन से लूप लाइन पर आ गई। अगर ये बात इंश्योर नहीं किया गया और कोई भी कोच या वैगन मेन लाइन पर रह गया तो फिर मेन लाइन से आती हुई ट्रेन से कोलिशन हो सकती है। इसे बचने के लिए इस फॉलिंग मार्क के बोर्ड को लगाया जाता है, जिससे गार्ड इंश्योर करता है कि उसकी ट्रेन इस फॉलिंग मार्क से, मतलब कि फॉलिंग मार्क को पार करके पूरी तरह से मेन लाइन से लूप लाइन पर आ गई है। इसी तरह से इस फॉलिंग मार्क के द्वारा साइड कोलिशन को होने से रोक सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपके पास इस वीडियो के लिए कोई सजेशन है तो फिर वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।